हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी कुछ गाड़ियों का ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट की रेटिंग आई है आज, जिसमें मारुति है और महिंद्रा है। और अगेन बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स आए हैं। मारुति की जो सेफ्टी रेटिंग्स हैं वो बद से बदतर हो गई हैं। मैं यहाँ पे किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो मारुति गाड़ियाँ ओन करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मारुति गाड़ियों को कंसीडर भी कर रहे हैं लेने के लिए, लेकिन मारुति जिस तरीके से सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रही है ये अब एक डेफिनेटली कंसर्न बनता जा रहा है। यहाँ पे हम सबकी सेफ्टी से मारुति खिलवाड़ कर रही है। हालांकि उनके इंजन वगैरह बहुत अच्छे होते हैं और उनका सब कुछ परफॉर्मेंस अच्छा है इंजन का, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गाड़ी की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आज के टाइम पर लोग लंबी लंबी ट्रिप्स हाईवेज पर कर रहे हैं, रोड ट्रिप्स कर रहे हैं, और इस केस में अगर उनकी सेफ्टी रेटिंग बद से बदतर ऐसी होती जाएंगी तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस गाड़ी की क्या सेफ्टी रेटिंग आई है। तो इग्निस, आपको पता है कि इग्निस पहले 3 स्टार लेके आई थी, लेकिन अभी जो 2022 में अभी आज के दिन पर जो क्रैश टेस्ट का रिजल्ट आया है उसमें इग्निस को मिले हैं 1 स्टार। तो ये शॉकिंग है। इग्निस को काफ़ी ज़्यादा हम सेफ गाड़ी कंसिडर करते थे, क्योंकि मारुति की हैचबैक सेगमेंट में यही एक ऐसी गाड़ी थी जो कि थोड़ा बहुत हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन अब इसकी भी सेफ्टी रेटिंग 3 स्टार से कम होकर 1 स्टार पे आ गई है, जो कि एक डेफिनेटली चिंता का विषय है। इसके अलावा अपनी सबकी फेवरेट स्विफ्ट, जो कि पहले 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आती थी, अब वो भी 2 स्टार से 1 स्टार पे आ गई है। सिमिलरली एक्सप्रेसो भी 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आई है। तो मारुति की तीनों गाड़ियाँ इग्निस 1 स्टार, एक्सप्रेसो 1 स्टार और स्विफ्ट 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आई है। बलेनो का भी आप समझ सकते हो, बलेनो का जब भी आएगा तो आई होप वो भी 1 स्टार ही लेके आने वाली है, क्योंकि बलेनो तो पहले से ही ज़्यादा बदनाम है सेफ्टी को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ स्कॉर्पियो को पहले सेफ्टी रेटिंग अच्छी नहीं मिली थी, लेकिन जो स्कॉर्पियो नई वाली आई है स्कॉर्पियो यन, उसका सेफ्टी रेटिंग आया है 5 स्टार। तो महिंद्रा ने उस पर काम किया है और उसने एक बढ़िया सेफ्टी रेटिंग यहाँ पे अचीव की है। तो अब मुद्दे की बात यही है कि जब मारुति की गाड़ियाँ अच्छी सेफ्टी रेटिंग लेके नहीं आ पा रही हैं, वहीं आप पैरेलली देखें तो आप महिंद्रा को देखिए, महिंद्रा अच्छी सेफ्टी रेटिंग लेके आ रहा है, टाटा अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, रिनॉल्ट की आप ड्राइवर देख लीजिए, कागर देख लीजिए, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके वो भी आ रही हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ओवरलुक अभी कर रही है मारुति इस चीज़ को। आई थिंक इस पर उसको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। न्यू भी वर्जन जो अगले साल जो भी उसका वर्जन आ रहा है उसमें उसको डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसका जो ट्रस्ट है वो इंडियन कार मार्केट में धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले के टाइम पे लोगों को उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लोग सेफ्टी की बात नहीं करते थे, लेकिन आज के इंटरनेट के ज़माने में लोगों को थोड़ा बहुत अवेयरनेस हुई है और सेफ्टी के लिए लोग कंसर्न दिख रहे हैं। अब उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हो रहे हैं, उनके पास टाटा की गाड़ियाँ आ गई हैं, उनके पास महिंद्रा की गाड़ियाँ आ रही हैं, बाकी और ब्रांड्स की अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस दे रही हैं विथ बेटर सेफ्टी एंड ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी हैं। तो इस केस में अगर मारुति ऐसे ही सेफ्टी को लेके सबके साथ खिलवाड़ करती रहेगी तो आने वाले टाइम पे ये मारुति के ओवरऑल बिजनेस को डेफिनेटली एक बड़ा झटका दे सकती है। तो दोस्तों यही था आज का अपडेट। आई होप ये सेफ्टी रेटिंग देख के आपको भी शॉक लगा होगा। जो भी आपका रिएक्शन है आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ एंड कर लेते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रेगुलर लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर पर बड़ा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।